रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। Myself, डॉक्टर रीता कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मरवाड़ी कॉलेज रांची। आज का टॉपिक है चाइल्ड काउंसलिंग ड्यूरिंग COVID-19। आज विश्व के साथ साथ हमारा देश कोरोना नामक महामारी से पूरी तरह त्रस्त दिख रहा है। पूरे देश में चौथे चरण का लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो 31 मई तक का समय निर्धारण हुआ है। 22 मार्च 1920 से पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन है। इसी समय बच्चों के स्कूल में एग्ज़ाम्स का समय था। उसी पीरियड में बच्चों को घर में इस महामारी के कारण कैद कर लिया गया। उनकी सभी गतिविधियों को बंद कर दिया गया। खेल के मैदान, खेल के साथी, स्कूल, टीचर, सभी से मिलना जुलना बंद हो गया। आज मैं एक मनोवैज्ञानिक के दृष्टिकोण से बच्चे जो घर में रह रहे हैं उनकी मानसिक स्थिति को समझते हुए चाइल्ड काउंसलर बनकर इस आपदा की स्थिति में उसके भविष्य को कैसे संवारे उस पर चर्चा करूंगी। COVID-19 की चपेट में बच्चे पूरी तरह से उसके गिरफ्त में फंसे हुए हैं। उनका बचपन घर की चार दीवारी में बंध कर रह गया है। आज के तनावपूर्ण वातावरण में बच्चे अपनी बहुत सी परेशानियां माता पिता या अन्य लोगों से नहीं बता पाते हैं। वह अपनी परेशानी किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं और कई बार तो अपनी परेशानियों को मन में रख कर डिप्रेशन ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में उनकी परेशानियों को समझकर उन्हें अंधेरे से निकालकर उजाले में लाने का काम करते हैं चाइल्ड काउंसलर। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि एक चाइल्ड काउंसलर का क्या काम होता है, किसी बच्चे को डिप्रेशन से किस प्रकार से मुक्त किया जाता है। एक चाइल्ड काउंसलर बच्चों के व्यवहार और भावात्मक मुद्दों पर उनकी सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वह बच्चों के डेवलपमेंट मुद्दों जैसे नींद, चिंता, व्यक्तित्व विकार, भोजन संबंधी विकार को भी दूर करते हैं। उनका मुख्य काम पहले बच्चों के साथ एक रिश्ता विकसित करना होता है, ताकि वह अपने मन की उन बातों को साझा करे जिसे वह किसी से नहीं कह पाते हैं। उनकी बातों को सुनकर और उनके हाव भावों के जरिए उनके मन की परेशानियां को गहराई से समझकर ना वे केवल बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बल्कि समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भी माता पिता की भी काउंसलिंग करते हैं, जिससे माता पिता बच्चों के मन को समझकर उनके लिए सपोर्ट सिस्टम बन सके। अभी बच्चे जिस दौर से गुजर रहे हैं वह दौर उनके लिए एक बंधन की तरह है। ना घर से बाहर जाना है और ना ही किसी से मिलना जुलना है। हर वक्त हर समय घर पर रहकर नियमों का पालन करते हुए अपने द्वारा जो भी कार्य करने की इच्छा हो उसे पूरा कर रहे हैं। पर कब तक
आखिर उसके आगे क्या? यह तो सिर्फ पढ़ाई या टीवी या गेम खेलना, लगातार किसी भी कार्य को करते करते एक उबाहट सी आने लगती है। ऑनलाइन क्लास के द्वारा बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती है, तो वह किससे पूछे, कौन बतलाएगा? ऐसे सवाल उनको घेरे रखता है जिसके कारण वे तनावग्रस्त हो जाते हैं। अधिकतर बच्चे अपने दोस्तों या अपने माता पिता को बातें नहीं बताने के कारण उनको अपने परेशानियों का हल नहीं मिल पाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात वे नहीं समझेंगे या फिर उन्हें गलत समझेंगे। बच्चे की परेशानी को देखते हुए माता पिता को चाहिए कि इस परिस्थिति में बच्चे को उचित देखभाल समुचित रूप से करें, उनका मोरल सपोर्ट हाई करें, उनसे बात करके उनके मन की बातों को समझने, जानने और उसे पूरा करने की कोशिश करें। बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें, उनके मनपसंद चीज़ों का ख्याल रखें। कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ है कि जहां बच्चे, माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य एक साथ उन लोगों को रहने का मौका दिया गया है, सभी लोग एक दूसरे का ख्याल रखकर एक दूसरे के लिए भरपूर समय व्यतीत करने का मौका ऊपर वाले ने दिया है। इस महामारी कोविड-19 के समय बच्चों को परिवार का पूरा स्नेह, सहानुभूति, सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से घर में कैद हो गए हैं। माता पिता को चाहिए कि उनका भरपूर सहयोग करके उनके रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करें। परिवार के अन्य सदस्य, बड़े भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, सभी मिलजुल कर बच्चों की मनोभावनाओं का ख्याल रखें और उसका आदर करें, उसके हर काम में पूरी तरह से सहयोग करें, चाहे वो काम गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि आपको उसके भीतर की क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है और बच्चों को यह विश्वास दिला सके कि आप उसके हर काम में साथ साथ हैं। खासकर इस लॉकडाउन के समय बच्चे का खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चे को जो समुचित मात्रा में पोषण के द्वारा जो खान पान उचित है उसे देना चाहिए। वैसे खान पान जिससे बच्चे को मोटापा या सुस्ती शरीर में ना आ जाए। पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई ऑनलाइन हो या सेल्फ स्टडी, उसके बाद बच्चों के साथ बैठकर डिस्कशन जरूर करनी चाहिए कि उन्हें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही है। बच्चों के लिए अभी पारिवारिक वातावरण बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि माता पिता के साथ साथ सभी लोग एक साथ सभी कार्य कर रहे हैं, जिससे बच्चे में संस्कार को भी बढ़ावा मिल रहा है, सांस्कृतिक को भी पहचानने का अवसर मिल रहा है। टीवी पर रामायण, महाभारत, श्री विष्णु पुराण, गीता, श्री कृष्णा, सभी धारावाहिकों का प्रसारण किया जा रहा है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर जब किसी प्रोग्राम को देखते हैं तो इससे इसका प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क में बहुत गहरा पड़ता है। साथ ही साथ योगा,
व्यायाम, इंडोर गेम परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है। बच्चों के साथ खुलकर समय व्यतीत करना एवं बातें करने का मौका मिला है। इसीलिए इस महामारी आपदा को सरल बनाकर इस बुरे वक्त को भी खुलकर जीने की आवश्यकता है। बच्चे का मन बहुत कोमल होता है। अक्सर वे अपने पढ़ाई या करियर को लेकर चिंतित एवं कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वे इस लॉकडाउन में करियर एक्सपर्ट या काउंसलर की मदद लेते हैं। बच्चे अपने जीवन में कोई लक्ष्य भी तय नहीं कर पाते हैं। अगर किसी बच्चे को सही दिशा प्रदान की जाए तो वह उस लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम रख सकता है। बच्चों को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि नकारात्मक विचार मन में लाकर तनाव, चिंता के शिकार होने से बचे। हमेशा सकारात्मक विचार ही जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। कोरोना वायरस से बचने का तरीका भी बच्चे को सही ढंग से समझना चाहिए। गलत अनगलन बातों तथा अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल घर पर रहकर तब करना चाहिए जब घर के किसी सदस्य को खांसी या फ्लू जैसी कोई बीमारी हो। तब परिवार दूसरे व्यक्तियों को भी मास्क लगाना अनिवार्य हो जाता है। बार बार हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाना, संक्रमित मरीज को एकांत में रखना, ये घर पर तब करना है जब कोई इससे ग्रसित हो। अंत में एज ए काउंसलर सिर्फ इतना ही कहूँगी, परिवार इस महामारी के समय एकजुट होकर रहे। परिवार के सभी सदस्य भावात्मक, संवेगात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहें और विशेषकर बच्चों को समुचित देखभाल करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। यहाँ पर मैं दो पंक्ति कहना चाहूँगी। कोरोना, 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 दुनिया के हर देश पर बरपा रहा अपना कहर। कोरोना से बचना है तो पब्लिक प्लेस से बच और रह अपने घर। मजबूरी है जिसकी जाने की, घर से निकल तू मास्क लगाकर। लोगों से बात करना, 1 मीटर की दूरी बनाकर। गंदगी से बच, सफाई कर। बस इतनी सी सावधानी कर, फिर देख कोरोना, कोरोना कैसे भागती है जिंदगी से, समाज से, देश से, परिवार से। धन्यवाद।